नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपके एस्ट्रो फ्रेंड मुदिता राज। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे राहु के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या अवगुण हैं, राहु किन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, राहु के कारक वगैरह, राहु की दृष्टि, राहु की दिशा। तो उन चीजों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो राहु है वो है कंफ्यूजन। क्यों भाई? हमारे सोचने समझने की क्षमता को जो ग्रहण लगा देते हैं, दैट इज राहु। हम सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उसके कारक हैं या उसके कारण है राहु। क्यों? क्योंकि राहु जो है वो एक पर्दा है, एक धुआं है। जब हमारे बोलते हैं ना कि अकल पे पर्दा पड़ गया या अकल पे पर्दा पड़ जाना जैसे मुहावरे, तो ये वही सेम चीज है कि आपके दिमाग के ऊपर माया जब इतनी ज्यादा हैवी हो जाती है कि आप सही डिसीजन नहीं ले पाते, वो राहु की वजह से। उसके अलावा राहु जो है वो मित्र हैं वीनस के, सैटर्न के और मरकरी के, और मरकरी इनके बेस्ट फ्रेंड आप समझ सकते हैं या कह सकते हैं। जबकि जो है जुपिटर और मार्स के साथ इनका संबंध जो है वो न्यूट्रल है, और जो भी ल्यूमिनरीज हैं सन और मून उससे इनकी एनिमिटी है। उसके अलावा क्या है कि हम लोग यही पढ़ते हैं कि ये जो है ये तमस के कारक है, राहु जो है वो तमस के कारक है, लेकिन ऐसा है नहीं। जब राहु आपको देने पर आते हैं तो वो आपको इतना उच्च कोटि का ज्ञान देते हैं कि उसके लिए जो है मतलब आप सोच नहीं सकते। जब वो पैसा देने पर आते हैं तो इतनी इमेंस वेल्थ देते हैं कि आदमी सोच नहीं सकता। तो वही चीजें हैं कि कुछ भ्रांतियां हैं जो डराने के लिए लोगों के और काम आती हैं। एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं राहु शनि मंगल इनका बहुत यूज करते हैं। एक्चुअली मैं तो यही बोलूंगी ये एक्सप्लॉयटेड प्लैनेट्स हैं। एक्चुअली इनका बहुत सबसे ज्यादा शोषण जो है वो इन्हीं प्लैनेट्स का होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि जब राहु जो है वो सात्विक जो है गुणों को जब बढ़ाते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए कि आप स्मोक कर रहे हैं, दैट इज तामसिक, और वहीं पे आप जो है धूप बत्ती का जो या धुनी का जो धुआं है, दैट इज सात्विक। मतलब धुआं तो दोनों से ही हो रहा है, बट वन इज सात्विक एंड अदर इज तामसिक। तो डिपेंड करता है, आदमी जिस हिसाब से कर्म करता है उसी के हिसाब से उसको फल मिलते हैं। तो राहु जो है जब वो सात्विक गुणों से भरपूर जब होते हैं तब वो आदमी को क्या देते हैं, अपार ज्ञान, और इस तरीके का ज्ञान जो मतलब जिसको देख के सामने वाला स्तब्ध हो जाए, इस तरीके का ज्ञान देते हैं राहु। उसके अलावा राहु जब राजसिक गुणों को अपने अंदर लिए हुए आपकी पत्री में आपको देते हैं, तो वो आपको बहुत प्रचुर मात्रा में धन और मटीरियल जो वेल्थ होती है वो देते हैं। जब वो तामसिक अपने जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग जब वो आपको रिजल्ट देते हैं, तो एक्सीडेंट्स, सडन डेथ, हाथ या पैर का कट जाना, या कोई भी जुआ या सट्टा, क्योंकि राहु जुए और सट्टे को भी बताते हैं, स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज को बताते हैं, हो सकता है आदमी अपना सब कुछ उसमें बर्बाद कर दे। तो ये तीनों ही तरीके से आपको रिजल्ट देने में केपेबल होते हैं राहुदेव। उसके अलावा क्या है कि हर तरीके का पॉइजन, हर तरीके की जो दवाइयां हैं वो राहु के जोन में आती हैं। जैसे पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो राहु के एरिया में आती है। तो जो बादल हैं वो भी राहु की ही डोमेन में आते हैं। क्यों? क्योंकि पहली चीज कोई बाउंड्री वो फॉलो नहीं करते, किसी रोक टोक को वो फॉलो नहीं करते, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कई बार बादल जो है वो भी सूर्य को ढक लेते हैं। तो सूर्य को ढकने की कैपेसिटी केवल राहु के पास है, तो यही काम बादल करते हैं, इसीलिए बादलों को भी राहु से एसोसिएट किया गया है। उसके अलावा आप देखिए पॉल्यूशन, जो एयर पॉल्यूशन है उसके कारक जो हैं वो भी राहु हैं। उसके अलावा आप देखिए कि हर तरीके की, अगर हम लैंडस्केप की बात करें तो सूखी और बंजर जमीन, रेगिस्तान, या आप जैसे ले लद्दाख का जो एरिया है, अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट बताऊं तो जैसे ले लद्दाख में बिल्कुल पहाड़ हैं लेकिन उनपे कोई ग्रीनरी नहीं, बिल्कुल कंप्लीटली बंजर पहाड़ जो है वहां पे हैं। तो इस तरीके के जो लैंडस्केप्स हैं
ये राहु रिप्रेजेंट करते हैं, या ऐसी कोई जगह जहां पे सांप बहुत बहुतायत में हो, मतलब कोई ऐसा प्लेस जहां सांप जो है वो बहुतायत में हो, कई सारे सांप हो। ये नहीं कि अगर कहीं एक सांप रहता है तो हम बोल देंगे कि ये प्लेस जो है वो राहु को बिलोंग करती है, नहीं, उसके लिए वहां पे कई सारे सांप होने चाहिए। ऐसी कोई जगह जैसे चंदन के जो फॉरेस्ट होते हैं वो राहु के डोमेन में आते हैं, इसलिए आते हैं क्योंकि वहां चंदन के पास आप देखेंगे आपको सांप जो है वो अबंडेंस में मिलेंगे, तो वो भी जो है राहु के डोमेन में आते हैं, चंदन का जो फॉरेस्ट है। उसके अलावा देखिए नीले फूल, नीले फूल खुशबूदार फूल, क्योंकि वो सांपों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वो भी राहु के डोमेन में आते हैं। जो आप देखते होंगे हेजेस या बुशेस लोग लगाते हैं जिसमें से आर पार नहीं दिखता, तो लोग क्या करते हैं एक फेक, जैसे गार्डन बनाते हैं तो एक फेक वॉल क्रिएट करते हैं, तो वो जो हेज या बुश जिसको हम बोलते हैं वो लगा लेते हैं, या इस तरीके की कोई भी बेल या मतलब जिसको हम वो बोलते हैं क्लाइंबर, जो भी जो पर्दे की तरह ढक जाए, मतलब कि कई लोग आप देखेंगे वो लोग बेल इसीलिए लगाते हैं ताकि उनके घर में क्या है कि सीधे सनलाइट जो है वो हिट ना करे, तो आप देखेंगे कि वो जो बेल है जिसमें से आर पार हमें नहीं दिखता वो राहु है। इसी तरीके से माइनिंग की सारी एक्टिविटीज जो है, पेट्रोलियम की जो खदानें हैं वो सब राहु के टेरिटरी में आती हैं। हर तरीके का एक्सट्रीम वेदर जैसे साइक्लोन्स हो गए, टोर्नाडोज हो गए, चक्रवात जिसे हम बोलते हैं, और बहुत तेज हाई स्पीड में जब विंड चलती है तो वो एक्सट्रीम कंडीशंस जो हैं वो भी राहु को बताती हैं, या बहुत ज़्यादा थंडर स्टॉर्म की जो सिचुएशन होती है जिसमें आंधी और पानी दोनों ही चीज़ें होती हैं और बिजलियाँ चमकती हैं, तो उसको हम थंडर स्टॉर्म कहते हैं। तो थंडर स्टॉर्म जो है वो राहु जो है वो राहु के वेदर में से एक है, मतलब जो हार्श वेदर, जैसे आप ऐसे मान लीजिए जैसे जो लोग उस पे रहते हैं पोल्स पे रहते हैं तो वहाँ बिल्कुल एक्सट्रीम वेदर है, तो जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं उनको भी राहु बताते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे वो लोग जो अल्कोहल इंडस्ट्रीज में, सिगरेट में, सिगरेट की फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं या फार्मेसी में काम करते हैं, वो सब भी राहु के डोमेन में आते हैं। राहु जो है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन को बताते हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है उसके रूलर जो है वो राहु है। उसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत ही स्ट्रेंज और हिप्नोटिक टाइप की पर्सनालिटी होती है उन लोगों की जिन लोगों का राहु या तो लग्न में हो या जो उनके सेकंड हाउस है उसमें हो। उसका कारण क्या है कि ये आदमी जो है उसको इतना कैरिज्मेटिक लुक देता है कि सामने वाला भले ही वो सुंदर ना हो लेकिन फिर भी उसका चेहरा उसमें कुछ ऐसा होगा कि आप रुक के एक बार देखेंगे जरूर। जैसे आप ऐसे मान लीजिए कि कुछ लोग होते हैं उनके लुक्स जो हैं वो एवरेज हैं लेकिन फिर भी आदमी जो है एक बार रुक के देखता है कि अरे कितना अच्छा लग रहा है या कितनी अच्छी लग रही है, तो वो राहु जो है वो राहु की वजह से वो पर्सनैलिटी में उनके जो चार्म होता है। और आप देखेंगे कि लंबे और पतले लोग जो हैं राहु जो है वो लंबे और पतले लोगों को बताते हैं। उसके अलावा क्या है कि अगर आप देखें कि हियरिंग, मतलब जो हमारे फाइव सेंसेस हैं तो फाइव सेंसेस में जो हियरिंग का जो हमारा सेंस है उसको राहु बताते हैं। तो कई बार चार्ट में जब राहु जो है वो थर्ड हाउस में हो और एफ्लिक्शन में आ जाए तो, या मरकरी के साथ हो और एफ्लिक्शन में आ जाए, तो वो कंडीशन में क्या होता है कि आप देखेंगे कंप्लीट डेफनेस हो गई है या एक कान से कंप्लीट डेफनेस हो गई है या दोनों ही कान से आपको सुनाई नहीं देता है, तो आप देखेंगे इस टाइप की चीजें भी देते हैं। या तो आपका सुनने की क्षमता बहुत ज्यादा अच्छी होगी, नहीं तो आपको कान से जुड़ा हुआ डेफनेस का इश्यू भी आ सकता है। उसके अलावा क्या है कि अगर हम कलर्स की बात करें तो राहु जो है उनका जो सी ग्रीन कलर हो गया, ब्राउन के सारे शेड्स हो गए, ब्लू के सारे शेड्स हो गए, और ब्लू में भी अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो जिसको कि हम पीकॉक ब्लू कलर या इलेक्ट्रिक ब्लू कलर कहते हैं या मेटालिक ब्लू कलर कहते हैं, जो बहुत ब्राइट सा कलर होता है जो पीकॉक के गले पे होता है इस एरिया में जो ब्लू कलर होता है, वो कलर जो है वो अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली राहु
में जो सबसे इम्पोर्टेंट कलर है राहु के लिए अगर हम बात करें तो वो वही कलर है। उसके अलावा ब्लैक और ग्रे और ब्राउन, ये सारे शेड्स जो हैं वो भी राहु में आते हैं। उसके अलावा राहु क्या है, राहु अल्ट्रा वायलेट रेज है जो कि होती है लेकिन हमको दिखती नहीं है। देखिए अगर हम राहु जो देव हैं, राहु देव को अगर हम उनका पिक्चर देखेंगे तो आप देखेंगे उनके फोर आर्म्स हैं। एक में तलवार है, एक में त्रिशूल है, एक में डिस्कस जैसा जो सरदार जी जो हैं वो अपनी पगड़ी में, आपने अक्षय कुमार की जो मूवी आई थी आई थिंक उसमें आपने देखा होगा, या आपने आर्मी में भी जो सिख रेजिमेंट है उसमें आपने देखा होगा वो जो गोल जैसा डिस्कस वो होता है वो उनके तीसरे हाथ में है। और चौथा हाथ जो है वो ब्लेसिंग की पोजिशन में है। मतलब ऐसा नहीं है कि राहु भगवान जो है वो केवल डिस्ट्रक्शन ही करेंगे, वो ब्लेसिंग भी देते हैं और जिनको देते हैं उनको आप ये मान लीजिए कि छप्पर फाड़ के देते हैं। उसके अलावा अगर मैं किसी कैरेक्टर से उसको अगर एक्सप्लेन करूं तो जैसे रॉबिन हुड क्या करता था, हालांकि काम तो वो भी गलत ही करता था, वो अमीरों को लूट कर वो चीज़ गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करता था। माने काम उसका भी गलत ही था, भाई आप किसी को अगर लूट रहे हो तो फिर आप उस काम का चैरिटी भी अगर कर रहे हो तो वो किसी काम की नहीं है वो चैरिटी, क्योंकि वो आपका अपना खुद का पैसा नहीं है। दान आदमी जो है वो अपने ही पैसों से करता है, वो ऐसा नहीं है कि दूसरे का पैसा चोरी किया और फिर हम दान कर देंगे। लेकिन फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल मैंने ये एग्जाम्पल लिया कि रॉबिन हुड का जो कैरेक्टर है आप उसको समझ सकते हैं, बिल्कुल टिपिकल राहु टाइप का कैरेक्टर है वो। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो राहु हैं वो मरकरी के परम मित्र हैं। उसका कारण क्या है कि मरकरी जो है, मरकरी भी वही सारी चीजें जैसे दूसरों से कम्युनिकेट करना, ठीक है, फन मस्ती बच्चों की तरह, तो राहु जो है उनके अंदर भी ये क्वालिटीज होती है। मतलब दूसरों को अपनी बात से, अपने बोलने से, बोलने की कला से जो है बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर देना और इस तरीके की चीजें। इसीलिए आप देखेंगे कि राहु जो है वो मर्क्यूरियन साइंस में बहुत अच्छा काम करते हैं, भले वो जेमिनी हो या जेमिनाय हो या आपका वर्गो हो, दोनों ही राशियों में, मरकरी की राशि में राहु जो है वो बहुत अच्छा काम करते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि जितने भी इस तरीके के लोग होते हैं जैसे जादूगर हो गए या आपके सपेरे हो गए जो सांप का खेल दिखाते हैं वो हो गए, या जो तांत्रिक हो गए या जो इस तरीके के लोग हो गए, शैमंस जो आप कह सकते हो थोड़ा सा डार्क साइड ऑफ द तंत्र जो है, वो सब डोमेन जो है वो राहु के डोमेन में आते हैं। इसी तरीके से सारी छुपी हुई चीजें जो हमारी नेकेड आइज को विजिबल नहीं है जैसे भूत प्रेत वगैरह, वो सब भी राहु के डोमेन में आते हैं। इस तरीके की नेगेटिव एंटिटीज जो हैं उसको राहु रूल करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे राहु जो है अगर मान लीजिए वो मार्स जैसे प्लैनेट के साथ हो जाए, क्योंकि राहु जो है वो जिस भी घर में बैठते हैं उस घर का जो लॉर्ड है उसकी सारी क्वालिटीज जो है वो अब्सॉर्ब करके और उसको एम्पलीफाई करने का काम करते हैं राहु। सपोज राहु जो है वो मार्स के साथ बैठ गए या मार्स के साइन में बैठ गए, तो वो केस में क्या है कि आप देखेंगे कि वो आपको बहुत अच्छा डॉक्टर वगैरह जो है, या डॉक्टर बोल रहे हैं सॉरी, वो तो केतु का इन्वॉल्वमेंट चाहिए। राहु में जैसे टेक्निकल एजुकेशन आपको, मार्स और राहु वो आपको टेक्निकल एजुकेशन आपको इंजीनियर बना सकता है, जबकि वही मार्स राहु जो है वो आपको एक क्रिमिनल भी बना सकता है। जैसे सद्दाम हुसैन जो है, सद्दाम हुसैन के चार्ट में फिफ्थ हाउस में मार्स और राहु थे, तो मार्स और राहु के फिफ्थ हाउस में होने की वजह से सद्दाम हुसैन, आप देख लीजिए वो किस लेवल के जो है, मतलब किस लेवल का वो तानाशाह था। तो ये सब चीजें जो है, मतलब किस तरीके से वो मैनिफेस्ट होगी राहु की एनर्जी, वो उसके लॉर्ड पे भी डिपेंड करता है जिस हाउस में वो बैठे हैं, और इस पे भी डिपेंड करता है कि कौन से हाउस को वो ओन कर रहे हैं। मान लीजिए 6, 8, 12 में अगर मार्स राहु का कॉम्बिनेशन हो जाए तो
तो ये आपको फॉरेन के लिए जो है फॉरेन सेटलमेंट भी देने के लिए केपेबल है भाई। फॉरेन जाने के लिए कई कंडीशंस में से एक कंडीशन ये भी है कि मार्स राहु जो है वो आपके 4-8-12 में हो या दूसरे घर में हो, तो ये उनमें से एक कंडीशन है कि ये आपको फॉरेन जाने के लिए भी अच्छा वो है। आप इंजीनियर हो सकते हैं उसके लिए भी अच्छा है, लेकिन मार्स राहु 8th या 12th में ये भी दिखाता है कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो क्योंकि मार्स जो है वो एक्सीडेंट है और राहु उस चीज को एम्पलीफाई कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि वही सेम योग जो है वो एक्सीडेंट भी दे रहा है, वो आपको फॉरेन भी भेज रहा है। वो हम लोग कैसे देखते हैं, वो हम लोग ट्रांजिट पे देखते हैं। मतलब अगर आपके चार्ट में मार्स राहु है तो आप ये देख के ये मत सोचिए कि अरे मेरा एक्सीडेंट होगा, या जरूरी नहीं है एक्सीडेंट होगा नहीं होगा कब होगा, वो ट्रांजिट, उसके लिए आपको ट्रांजिट और प्रोग्रेशन का भी ध्यान रखना होता है जब आप कुंडली की विवेचना करते हैं। तो ये एक जनरल डिस्कशन है, इसको मतलब सिर्फ समझाने के उससे उद्देश्य से मैंने बनाया है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके आगे हम लोग और जो राहु की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, वरना वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए हम लोग जल्दी ही मिलते हैं राहु के गुण और कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।